नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास और रोमांचक विषय पर बात करने वाले हैं। क्या आपके पास गोल्डफिश हैं? अगर हाँ तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो बच्चे कैसे पैदा करती हैं? क्या आपने देखा है कि आपकी गोल्डफिश अजीब हरकतें कर रही हैं, जैसे एक दूसरे के पीछे भागना और एक दूसरे को छूने की कोशिश करना? हो सकता है कि वो बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हों। ये एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है। अपने घर में नन्ही गोल्डफिश को जन्म लेते देखना बहुत ही एक्साइटिंग होता है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप इस अद्भुत क्षण का आनंद लें, कुछ तैयारियां करनी होंगी। बहुत सारी बेबी फिश आने से पहले आपको उनके लिए एक स्पेशल टैंक बनाना होगा। यह टैंक उनकी सुरक्षा और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपकी गोल्डफिश फैमिली के लिए एक तरह का नर्सरी जैसा है। यहाँ पर नन्ही मछलियां सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगी। चिंता मत करो, मैं यहाँ मदद करने के लिए हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि इस टैंक को कैसे सेटअप करना है। मैं कपिल शर्मा हूँ और मुझे मेरी मछली वाले दोस्त बहुत पसंद हैं। चलिए हम मिलकर इस टैंक को तैयार करते हैं ताकि आपकी गोल्डफिश फैमिली खुश और स्वस्थ रहे। चलिए साथ मिलकर इस टैंक को तैयार करते हैं। ये एक मजेदार और सीखने वाला अनुभव होगा। बेबी गोल्डफिश बहुत नाजुक होती है। उन्हें बड़ा और मजबूत होने के लिए एक सुरक्षित और साफ जगह की जरूरत होती है। एक अलग ब्रीडिंग टैंक होना इसलिए जरूरी है ताकि बड़ी मछली गलती से नन्हे अंडों या बेबी फिश को न खा जाए। इसे ऐसे समझो, एक नए बच्चे के लिए एक छोटा घर एक बड़े भीड़भाड़ वाले घर से ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित होता है ना? ऐसा ही हमारे इन छोटे मछली वाले दोस्तों के लिए भी है। ठीक है, चलिए उन चीजों को इकट्ठा करते हैं जिनकी हमें जरूरत है। एक सफल प्रजनन टैंक के लिए सही उपकरण और सेटअप होना बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक नए बच्चे के लिए खरीदारी करने जैसा है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पास सब कुछ सही हो। सबसे पहले एक बड़ा टैंक, यह सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। हमें एक ऐसा टैंक चाहिए जो कम से कम 20 गैलन बड़ा हो। यह सुनिश्चित करेगा कि मछलियों के पास पर्याप्त जगह हो। इससे मम्मी और पापा मछली को तैरने के लिए जगह मिलती है और बच्चों को बढ़ने के लिए जगह मिलती है। एक बड़ा टैंक मछलियों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। इसके बाद एक हल्का फिल्टर, यह पानी को साफ और ताजगी बनाए रखने में मदद करता है। बेबी फिश बहुत छोटी होती है, इसलिए हमें एक ऐसा फिल्टर चाहिए जो उनके लिए सुरक्षित हो। हमें एक ऐसा फिल्टर चाहिए जो पानी को साफ करे लेकिन उन्हें अंदर न खींचे। एक स्पंज फिल्टर एकदम सही रहेगा क्योंकि यह पानी को धीरे धीरे फिल्टर करता है। फिर एक हीटर शायद, यह सुनिश्चित करेगा कि पानी का तापमान स्थिर रहे। कुछ गोल्डफिश को बच्चे होने पर थोड़ी गर्मी पसंद आती है। यह उनके प्रजनन के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। अगर आपको हीटर की जरूरत हो तो अपने फिश स्टोर से पूछें, वे आपको सही प्रकार का हीटर चुनने में मदद कर सकते हैं। और अंत में पौधे, ये न केवल टैंक को सुंदर बनाते हैं बल्कि मछलियों के लिए भी फायदेमंद होते हैं। जीवित पौधे बेबी फिश के लिए जंगल जिम की तरह होते हैं। वे उन्हें छिपने और सुरक्षित महसूस करने के लिए जगह देते हैं। पौधे मछलियों को छिपने की जगह देते हैं और उन्हें सुरक्षित महसूस कराते हैं। इसके अलावा पौधे पानी की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाते हैं। अब चलिए अपने टैंक को सेट करते हैं। ये मजेदार हिस्सा है। एक सही मछली घर बनाना एक कला है और हम इसे सही तरीके से करेंगे। सबसे पहले टैंक को साफ करें। ये सुनिश्चित करें कि कोई भी गंदगी या अवशेष न रह जाए। टैंक को केवल गर्म पानी से धोएं। साबुन नहीं, साबुन के अवशेष मछलियों के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं। साबुन मछली के लिए खतरनाक होता है। इसके बाद पानी डालें। पानी को धीरे धीरे डालें ताकि टैंक में कोई बुलबुले न बने। टैंक को साफ पानी से भरें। यह सुनिश्चित करें कि पानी पूरी तरह से साफ और ताजा हो। सुनिश्चित करें कि पानी आपके गोल्डफिश के लिए सही तापमान पर हो। गोल्डफिश के लिए आदर्श तापमान 22 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर फिल्टर सेट करें। फिल्टर को टैंक में रखें और उसे प्लग इन करें। फिल्टर पानी को साफ और ऑक्सीजन युक्त बनाए रखता है। सुनिश्चित करें कि यह धीरे धीरे बुदबुदा रहा है। उसके बाद पौधे लगाएं। पौधे मछलीघर के लिए प्राकृतिक फिल्टर का काम करते हैं। टैंक में पौधों को व्यवस्थित करें। पौधों को इस तरह से लगाएं कि मछलियों को छिपने और तैरने के लिए पर्याप्त जगह मिले। इससे यह सुंदर दिखता है और मछली को छिपने की जगह मिलती है। छिपने की जगह मछलियों को सुरक्षा का एहसास दिलाती है। और अंत में प्रतीक्षा करें, धैर्य रखें, क्योंकि यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है। मछली डालने से पहले कम से कम 24 घंटे प्रतीक्षा करें। यह समय पानी को स्थिर और सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक है। इससे पानी जम जाता है और सुरक्षित हो जाता है।
अब आपका मछली घर आपके नन्हे दोस्तों के लिए तैयार है। भाग 5। पानी सही एहसास ही मायने रखता है। पानी मछली के लिए हवा की तरह है, हमें इसे साफ और सही तापमान पर रखना होगा। सबसे पहले तापमान की जांच करें। गोल्डफिश को पानी पसंद आता है जो 88 से 74 डिग्री फारेनहाइट के बीच हो। जांच करने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करें। अगला, पानी बदलना। हर हफ्ते लगभग 25% पानी बदलें। इससे पानी साफ रहता है और मछली के लिए स्वस्थ रहता है। और याद रखें, सीधी धूप नहीं, टैंक के लिए छायादार जगह खोजें। बहुत अधिक धूप से पानी बहुत गर्म हो सकता है। भाग 6। खाने का समय, माता पिता और बच्चों के लिए स्वादिष्ट भोजन। अच्छा भोजन मछली को खुश करता है। विविधता महत्वपूर्ण है। अपनी गोल्डफिश को कई तरह के खाद्य पदार्थ खिलाएं, जैसे गुच्छे, छर्रे और यहाँ तक कि कुछ सब्जियां भी। छोटे भोजन सबसे अच्छे होते हैं। उन्हें दिन में 2 बार केवल उतना ही खिलाएं जितना वे 2 मिनट में खा सकें। और बेबी फिश के लिए उन्हें विशेष भोजन की आवश्यकता होती है जो उनके खाने के लिए पर्याप्त छोटा हो। अपने फिश स्टोर से बेबी फिश फूड के बारे में पूछें। भाग 7। उफ, ये गलतियां ना करें। विशेषज्ञ भी कभी कभी गलतियां करते हैं। बचने के लिए यहाँ कुछ सामान्य गलतियां दी गई हैं। ज्यादा भीड़। एक टैंक में बहुत अधिक मछली होना बुरा है। ये भीड़ भाड़ वाली बस में फंसने जैसा है, ये किसी को पसंद नहीं है। गंदा पानी, छी। स्वस्थ मछली के लिए साफ पानी बहुत जरूरी है। अपने पानी को बदलना सुनिश्चित करें। गलत खाना, अपनी मछली को गलत खाना खिलाना ऐसा है जैसे आप केवल चिप्स ही खा रहे हैं। सेहतमंद नहीं। भाग 8। धैर्य रखें और अपनी बेबी फिश का आनंद लें। गोल्डफिश को प्रजनन करने में समय और धैर्य लगता है। एक मछली मित्र बने और उन्हें यथासंभव सर्वोत्तम देखभाल प्रदान करें। जल्द ही आपके पास मनमोहक बेबी गोल्डफिश से भरा एक टैंक होगा। याद रखें, अगर आपके कोई प्रश्न है तो अपने स्थानीय मछली विशेषज्ञ से पूछें। मछली पालन मुबारक।